सर दिल्ली आए थे। दिल्ली आए घूमने आए? जी सर। जी तो घूम लिया? जी सर। देखिए यहाँ पे कई तमाम तरह के लोग आते हैं, अंकल भी हैं, भतीजे भी हैं, सब देखिए। तब तक देखिए अंकल जी बोले, भतीजा जी बोले। जी आ रहा हूँ। प्रत्येक जी कांग्रेस के मुंह से कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। हाँ जी। जैसे महंगाई इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्यों? 36 रुपए सर दे अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सरकार छोड़ी थी, पेट्रोल डीजल का दाम, डीजल का 36 रुपए था। इन्होंने जो 2014 में हम सरकार में आए, इन्होंने 76 रुपए किया। महंगाई कितनी बढ़ाई? 220%। आज कितना है? 96 रुपए। कितना बढ़ा? 33%, सिर्फ 33%। दूसरी बात, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल कहां मांगा है? कर्नाटक में मांगा है, हिमाचल मांगा है। किसकी सरकार है? कांग्रेस की। बोलने में मुंह के बंद हो जाए आप दोनों लोग, तय करिए। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी करी थी, सूप बोले तो बोले, चल नहीं बोले, 700 करोड़ का बजट प्रॉफिट में था दिल्ली जल बोर्ड, 72,000 करोड़ के कर्जे में है, और ये बोल रहे रोड को छोड़ा दिल्ली पानी पानी हो जाती है। इनकी आंखों में पानी नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह, दिल्ली का जो टैक्स जाता है उसका कुछ तो हिस्सा होगा दिल्ली वालों का, वो नहीं है। आज आयुष्मान योजना जो चलाते हैं प्रधानमंत्री, उसका बजट है 7200 करोड़, और दिल्ली का हेल्थ बजट क्या है? 9000 करोड़। एक छोटे से स्टेट का 9000 करोड़ और आयुष्मान का 7200 करोड़। कहां इस बजट के अंदर स्टेट वाइज स्टेट जो डिस्पैरिटी है उस पे उंगली उठ रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी बैसाखी की सरकार बचाने के लिए। राइट, मैं इधर आई, वो दूर तक चले जाते हैं। ये देश संविधान से चल रहा है और समाजवादी की प्रक्रिया है। इसमें जिसके पास ज्यादा धन है उससे लिया जाएगा, और जिसके पास कम है वो दिया जाएगा। इनकम टैक्स भी इसी पैटर्न पे, जो अमीर है वो 30% टैक्स देगा, जो गरीब है वो बिल्कुल टैक्स नहीं देगा। अगर दिल्ली के पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन है, डेवलपमेंट है, तो अगर वो ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि दिल्ली में इंडस्ट्री है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली के अपने एफर्ट नहीं है, हेड ऑफिस दिल्ली में लोग रखते हैं, इसलिए टैक्स कलेक्ट होता है। इसलिए यह कहना कि दिल्ली का कलेक्शन दिल्ली के लोगों की वजह से, पूर्णतः सच नहीं है। इसलिए अगर बिहार बंगाल में गरीबी है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देना जरूरी है, वहाँ सड़क पुल बनना जरूरी है। तेलंगाना अगर नया राज्य बन रहा है, आंध्र नया राज्य बन रहा है, वहाँ कैपिटल का डेवलपमेंट होना अगर जरूरी है, वो देश के विकास में है। वो आपने वादा भी किया था जब आपने तेलंगाना बनाया था, तो वो पुराना वादा। जी सर, मैं जहाँ तक महंगाई की, मेरे साथी बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ इतनी जनता, आपके आपका सबसे, मुझे लगता है सबसे फेमस शो है, आप अपनी जनता से पूछ लीजिए, 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और 2-10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, क्या भाई साहब दाल के दाम उतने ही हैं? दूध के दाम उतने ही हैं? आटे का दाम उतना ही है? पेट्रोल का दाम उतना ही है? डीजल का दाम उतना ही है? गैस का दाम उतना ही है? खाने पीने के तमाम पदार्थ, बिजली के बिल, पानी के बिल, शिक्षा पे खर्चा, स्वास्थ्य पे खर्चा, सब 4 गुना हो गया है मोदी जी की सरकार में। अगर ना हो तो आप किसी का भी हाथ खड़ा करके देख लीजिए। ये तो वो वाली बात हो गई, बहुत हुई महंगाई की मार, क्योंकि अब है मोदी सरकार। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली में कहाँ से? कोड़ापुर दसगरा से। जी कैसे आना हुआ? घूमने? अरे बड़े अच्छे समय में निकाला आपने अपने को घूमने के लिए, बड़ी उमस भी है और गर्मी भी है, बहुत अच्छा किया आपने घूमने के लिए, बहुत अच्छा समय। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। पानी नहीं आ रहा दिल्ली में, बताओ ना। हाँ जी, पानी बिल्कुल परेशान है दिल्ली में, पानी का परेशान है। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए क्या किया? दिल्ली में पानी से बहुत परेशानी है, महिलाओं के लिए क्या किया? जी अब एसी बसें बैठ के आई है, एसी बसें बैठ के आई है, एसी बसें बैठ के आई है, ये दिल्ली सरकार ने नहीं किया। बोले एसी बस में बैठ के आई है और पानी की मांग कर रही है, बताओ एसी में तो बस क्यों बैठ के आई है? जी राइट राइट, लेकिन पानी तो पीना चाहिए ना। जी जी सारी सुविधा जी, राइट राइट, बहुत आराम से आराम से आराम से आराम से। सुनो मैं कुछ बोल नहीं रहा, नहीं नहीं, मेरी बीवी है, इसे डर लगता है, सरकार से डर नहीं है, सरकार से डर नहीं है, इसे डर है। हाँ गजब है ये परिवार भी भाई, गजब है। ये घर में भी ऐसे करते हैं? तो घर में कैसे संभालती हैं फिर इन्हें आप? अपने आप संभल जाते हैं? आए हाँ जी, ऊपर वाले के हवाले।